हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी मॉडर्न आर्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई है जो कि 6th, 7th, 8th की है। नेक्स्ट सेशन जब आएगा हमारा उसमें हमारी अप टू 5th क्लास तक और लॉन्च होनी है। तो ये जो हमारी मॉडर्न आर्ट सीरीज़ है ये किस तरह से यूनिक बुक है इसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो हमने स्टेप बाय स्टेप हमने सारा इसके अंदर दे रखा है। जैसे इसके अंदर हमने कलर्स के बारे में, पेंसिल के बारे में, कौन सी पेंसिल लाइट होती है, कौन सी पेंसिल डार्क होती है, वाटर कलर, पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टल, इनके बारे में सारा में इंट्रोडक्शन दे रखा है। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर हमने इसका QR कोड दे रखा है हर लेसन का, हर लेसन का QR कोड दे रखा है इसको, ताकि बच्चा इसको आसानी से बच्चा कर सके। कोई दिक्कत हो बच्चों को तो उसको स्कैन करें और वो इसमें अपने आप यही वीडियो ओपन हो जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप स्कैन कर सकते हो। आप गूगल में जाके इसको आप स्कैन कर सकते हो। वहाँ स्कैन का एक तो सर्च का होता है साइड में, उसमें स्कैन का वो होता है कैमरे का निशान, उस पर आप जाके इसको स्कैन करके ओपन कर सकते हो। या आप स्कैनर यूज कर सकते हो। जैसे इसके अंदर मैं स्कैनर यूज कर रहा हूँ, इसको जैसे कि हम ये स्कैन करेंगे और अपने आप ये अपनी वीडियो ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर हमारी ये वीडियो ओपन हो जाती है। सबसे पहले जब भी हम स्टिल लाइफ बनाते हैं ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर सारी डिटेल के साथ हमने बता रखा है किस तरह से सेटिंग करना चाहिए, किस तरह से हमने बना रखा है। हर लेसन का हमारे ऐसे ही QR कोड है। ये जैसे आगे हम वो करेंगे तो आगे भी हमारे हर लेसन का हमारा QR कोड दे रखा है, ताकि ये बच्चों को इजी से समझ में आ सके और बना सके। इसके अंदर हर चीज, हर तरह की हमने ये पेजेस दे रखे हैं, एक्टिविटी वगैरह की भी दे रखी है, सब कुछ इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर दे रखा है। जैसे मेहंदी के लिए जैसे इसके अंदर ये है सीधा, इसके अंदर हम पहले इन स्ट्रोक्स की हमने प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब अच्छी तरह से बच्चा कर सकता है। तो इस तरह से जैसे रंगोली के लिए है, इसमें हम रंगोली कलर्स घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारी चीज इसके अंदर हमने दे रखी है, जैसे 3D प्रिंटिंग, पिस्ता की, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वगैरह, ये सब इसके अंदर हमने दे रखी है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।